festive morning to all the august gathering today. We, the DC Mites, welcome you all this morning to the eve of festivities. We are here to portray the essence of festivals on behalf of Yamuna House. Now, I will hand over the mic to Sanjoli and Gurleen to continue the program. Good morning, everyone. Namo Devye Mahadevye Shivaya Satat Namaha Nama Prakartaya Bhadraya Niyata Pranata Samtam. Wow, this beautiful sloka. But what does it mean? Gurleen, we all have gathered here to celebrate the enriched festivities of our Hindu culture. The sloka is a namaskara to the divine deity Mahagauri Mahadurga. Festivals? Yes, I love festivals. And the Shara is one of my favorite. Oh, really, Gurleen? So what do you know about the festivals? Yes, I love the positivity it gives. All the 9 days of Navratri are full of enthusiasm and good teachings. The first day starts when a bed of mat is kept in the puja room and the barley seeds are planted on it. Yes, very correct. That's all we do in the Shara. You know, people of different states celebrate this festival with different names. One of them is Durga Puja. Let's watch the origin and celebration of Durga Puja through this video. हजारों साल पहले महिषासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस था। वो आधा दानव और आधा भैंस था। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हजारों साल तक तपस्या की। बहुत तपस्या के बाद उसकी योजना सफल हुई। भगवान ब्रह्मा उसके पास आए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? बिना पलक झपकाए अभिमानी महिषासुर ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि कोई भी पुरुष या देव मुझे मार ना सके। भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। इसके बाद महिषासुर स्वयं को अमर मानने लगा। अपने आक्रोश और अहंकार में महिषासुर ने पृथ्वी को तबाह करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग से सभी देवताओं को भी भगा दिया। सभी देवता भयभीत होकर त्रिदेव के पास सहायता मांगने के लिए गए। तब तीनों देवों ने एकजुट होकर एक ऐसे दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति की जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस दिव्य प्रकाश से 10 हाथों वाली आदि शक्ति रूपी देवी दुर्गा प्रकट हुई। एक एक करके कई देवताओं ने देवी को विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित किया। इन सभी अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने को तैयार थीं। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 10 दिनों का घमासान युद्ध चला। 10वें दिन देवी दुर्गा महिषासुर का सर काटने में सफल हुई। अंततः जीवन का संतुलन वापस ठीक हो गया। इसी दिवस को प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा 10 दिनों का महोत्सव होता है। That's really inspiring. A woman is always considered so weak, but we never realizes the strength of a lady. She is Shakti of Shiva. She is Ma Janani. बिल्कुल सही कहा गुलेन। Feminism isn't making women strong. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives the strength. Yes, correct. Let's watch a short clipping for this, which follows the quote here. I have my own standards and I don't have any plans on lowering it for anybody, including myself. छुटकी, जल्दी आ। टिफिन लिया? हाँ। आ जा। पकड़ ले। पकड़ लिया? पकड़ लिया पापा।
अरे गोविंद। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये क्या बिटिया स्कूल जाने लग गई है? चलो अच्छा है। वैसे जरा संभल के गोविंद, ज्यादा पढ़ लिखने से कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। चले बेटा। पापा मैं हाथ से कैसे निकल जाऊंगी? बताऊं? हाँ। देख अभी तो स्कूल जाएगी। हाँ। फिर मन लगाकर पढ़ाई करेगी। हाँ। फिर जब तू फर्स्ट आएगी। हाँ। तू बड़े शहर में जाके इंजीनियर बनेगी। इंजीनियर नहीं पायलट। अच्छा पायलट। फिर तू मुझे प्लेन में मुफ्त में घुमाएगी। घुमाऊंगी ना पापा। पक्का? हाँ जी पक्का। हाथ दे अपना। चल बेटा शाबाश। फिर क्या होगा पापा? फिर तू पायलट बनके बहुत सारे पैसे कमाएगी। अपने फैसले खुद करेगी। बड़ी बड़ी हीरोइनों की तरह जीन्स पैंट पहनेगी। जीन्स पैंट? हाँ जीन्स पैंट। जहां मन करेगा वहां जाएगी, जब मन करेगा तब जाएगी। तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए, है ना? हाँ। फिर तो हाथ से निकलना अच्छा है ना पापा? बहुत अच्छा बेटा। बाय पापा। वाकई में लड़की का हाथ कामयाबी तभी आएगी जब लड़की हाथ से फिसल जाएगी। We need to change the meaning to this phrase. Yes, Sanjoli. That is what we need in the present era. Gulli, let's take our audience to the western part of this festival. In the colorful state of Gujarat, the Shera is celebrated as Navratras. Garba is the prime ingredient of this festival, which is very famous folk dance of Gujarat. Let's enjoy the same through the video. One of the most awaited festivals in the colorful state of Gujarat is Navratri, celebrated on the first 9 days of the Ashwin month. Devotees fast for 9 days and worship the goddess Shakti. An earthen pot with holes and lamps inside, also known as Garbi, is lighted and women perform aarti with it. During Navratri, Garba and Dandiyaras are popular forms of dances performed by both men and women wearing their traditional dresses. So let's watch the Garba performance of our Desi mites. Oh,
I really love festivals. And the way people celebrate it is a sight to behold, full of colors and lights. And most importantly, it's full of energy. When you talk about the energy, the next possible things come into your mind are children. So Guleen, let me take you the kids' world as our Ramayan characters. Good morning everyone, I'm Ajita, class prep 2A. I'm giving a speech on Dashara. Dashara is most popular festival of Hindus. Dashara is celebrated across India. Dashara means victory of Lord Rama over evil king Ravana. Dashara is celebrated in the month of October or November, 20 days before Diwali. It is 10 days long festival. First 9 days are Navratras, and on the 10th day, effigies of 10-headed Ravana, his brother Kumbhakarna, Meghnath are born. Ramlila is organized at various places. Durga Puja is also celebrated across India. Dashara gives a message of victory of good over evil. Thank you. Have a happy Dashara. I am Devis from D class. मेरे चार भाई हैं। मैं दशरथ का पुत्र हूँ। पति का नाम सीता है। मैं रावण का वध करके जल्दी से सीता को लाऊंगा। जय श्री राम। रघुपोरी तपस्तानी लाल लाल जान से बचना चाहे। मेरा नाम तीरथ है। मैं सीता माता बनी हूँ। हे दुष्टावन, तूने मेरा हाने का में अच्छा नहीं किया। आकाश इतनी की पत्तों तक कोई तुझे सू नहीं सकता। तेरा आंख निस्ते है। जाल से आदम मुसीली राम का सेवन लक्ष्मण हुए। क्यों तेरा मुझे राम जय जय राम मैं तो राम जा रहा हूँ जिसका विषय है सत्य की जीत। दशहरे का तात्पर्य सदा सत्य की जीत। गढ़ टूटेगा झूठ का फिर सत्य से प्रीत। सच्चाई की राह पर लाख पीछे हो शूल। बिना रुके चलते रहे शूल बनेंगे फूल। क्रोध कपट कटुता क्लह चुगली अत्याचार दगा द्वेष अन्याय छल रावण का परिवार। राम चिरंतन चेतना राम सनातन सत्य। रावण वैर विकार है रावण है दुष्कृत्य। वर्तमान का दशानन ज्ञानी भ्रष्टाचार। दशहरे पर करें हम इसका संगार। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट आर रिस्पेक्टेड
Principal Ma'am Miss Renu Verma to greet RDCM family on the eve of festivities. Dear parents, teachers, and my dear students, at the very outset, on behalf of Team TCM, let me extend to you all a very happy Dashera and a bright and prosperous Diwali. Each year, we look forward to these festivals and celebrate them with great joy, enthusiasm, and devotion. But the last 2 years have been challenging times due to the deadly corona pandemic. The urge for collective celebrations has had to be suppressed for larger good. In these challenging times, we, the members of TCM family, pray for the well-being and prosperity of you all and your families. Personally, I hope this festival and the new year it marks brings all-round joy and prosperity for you all and ushers bright sparkles of success at work for the year ahead. As per the need of the hour, I would once again this year request you all to exercise constraint. Celebrate, rejoice, but remember safety first. Follow all precautions to stay corona-free and not help it spread and bring in the third wave. Wishing you all a very safe and joyous Dashera and Diwali. Take care. Happy Dashera. Happy Diwali. Thank you. That is what indeed we need. The 9 days signify empowering positivity and the last day gives it a perfect ending with the Ravan Dahan. You know, Guleen, Ravan was one of the most erudite person. Moreover, he was a Brahmin son. Yet he is tagged as ugly and fierce demon. His huge effigies are burnt every year. Because he was filled with evils, his evils hindered all his virtue. Let's watch sex at Guleen to know which things can completely destroy our good quality. रामायण से हम क्या सीखते हैं जो आज के संदर्भ में रेलिवेंट है? First, humility. You must heard the story of शिव धनुष. सीता स्वयंवर के दौरान कई काबिल राजा महाराजा शिव धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब फेल हो जाते हैं. रावण जो कैलाश पर्वत को भी उठा सकते थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन फेल हो गए. सिर्फ श्री राम ही शिव धनुष उठा पाते हैं. क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि वह धनुष उठाने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं. शक्ति के साथ साथ अपनी ईगो को मात देने की ताकत जिसमें है, वही असल में काबिल है. शायद ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट है आज के समय. सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी काबिलियत लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए तारीफ बटोरना काफी आसान हो गया है. मगर उसी के साथ साथ अपनी पिछली अचीवमेंट के बोझ तले दब जाना भी आसान हो गया है. रामायण के करेक्टर्स हमें ह्यूमिलिटी सिखाते हैं. जैसे हनुमान, हु इज नॉट इवन अफ्रेड ऑफ फोर्स लाइक डेथ, बट ही नेवर कंसीडर्ड हिमसेल्फ अबव एनीवन एल्स बट एज अ डिवोटी ओनली. ह्यूमिलिटी वॉज नॉट हिज वीकनेस बट इट वॉज हिज स्ट्रेंथ. नेक्स्ट इज आवर सोसाइटी. शबरी राम की भक्त थी और वह रोज जंगल से बेर चुनती और एक एक बेर को स्वयं चखकर देखती, क्योंकि वह भगवान राम को मीठे बेर खिलाना चाहती थी. शबरी वॉज अ ट्राइबल वुमन, तो उनके जूठे बेर भगवान राम कैसे खा सकते हैं? दैट वॉज पीपल थॉट. लेकिन भगवान राम ने बेर खाए और कहा कि आज मुझे मेरी माँ कौशल्या की याद आ गई. शबरी का इंटेंशन बेर को जूठा करना नहीं था, उसका इंटेंशन श्री राम को बेस्ट फल, बेस्ट फ्रूट खिलाना था. लेकिन अगर आप सही इंटेंशन से सही एक्शन करते हैं
तो समाज आपको सही समझे ना समझे, परंतु परमात्मा की दैवीय शक्ति आपको जरूर समझेगी। श्री राम उस जमाने में अपने एक्शन से हमें आईना दिखा रहे थे। जात पात, धर्म, पद, इन सबसे ऊपर हमारा कर्म है। नंबर 3, सत्यमेव जयते। वैसे तो ये युद्ध राम और रावण के बीच में था, फिर वानरों को क्या फर्क पड़ता है। फिर भी एक मछली से लेकर हाथी तक सबने भारत से लंका ले जाने वाला सेतु बनाया। समुद्र से लेकर जटायु तक सबने भगवान राम का साथ दिया, क्योंकि भगवान राम के साथ होना सच के साथ होने जैसा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये रामायण सत्य है। आज की 21वीं शताब्दी में हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रावण के 10 सिर थे या 10 बुराइयां। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि राम एक असाधारण राजा थे या भगवान के अवतार। मगर इससे फर्क जरूर पड़ता है कि हमने रामायण से क्या सीखा। जीवन को नियंत्रित करने के लिए हमें रावणीय प्रवृत्तियों से दूर होना चाहिए। क्रोध, जैसे माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है, इसी तरह गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है और फिर दूसरों को। जीवन में क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जीवन में कोई भी निर्णय क्रोधवश में ना लें। इस प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। मद, अहंकार, अभिमान, अपने आप को औरों से बहुत अधिक योग्य, समर्थ या बढ़कर समझने का भाव होता है। सभ्य जीवन जीने के लिए हमें इस तरह के भाव को अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। इस प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। मत्सर, दूसरों की संपत्ति व सम्मान को देखकर मन में जो जलन होती है और अपने आप को धिक्कारने और हीन भावना से ग्रस्त होने को ही मत्सर कहते हैं। इस प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। अहंकार, जिसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो, उसे दूसरों के गुण कभी दिखाई नहीं देते। अहंकार करने से बड़ा रिश्ता टूट जाता है। इस प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मार्ग आपको अपने सफलता के मार्ग से हटा देता है, इसलिए जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। लोभ, लालसा, दूसरों की धन संपत्ति या वस्तु लेने की तीव्र इच्छा लोभ कहलाता है। इंसान को जीवन में संतुष्ट रहने के लिए लोभ जैसे विकार से दूर रहना चाहिए, अतः इस प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। मोह, मोह मानव को पितृत्व व मातृत्व के साथ साथ अन्य रिश्तों के दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है, परंतु कई बार यही मोह व्यक्ति को कर्तव्य विमुख कर देता है, अतः इस प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। द्वेष, दूसरों की निंदा करके झूठा आत्मसंतोष प्राप्त करना द्वेष कहलाता है। मनुष्य के अंदर यदि द्वेष भावना होगी तो वह उन्नति के पथ पर कभी अग्रसर नहीं हो सकता, अतः इस प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। काम, काम इंसान को पशु तुल्य बना देता है। भय, भय मन का विकार है। भय से मनुष्य टूट जाता है, जिससे उसका धीरे धीरे व्यक्तित्व भी ढह जाता है। भय मुक्त जीवन से मनुष्य किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है, अतः इस प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। Diwali, one of the grand festivals of India. The preparation for the festival commences many days prior to the festival. It starts with a thorough cleaning of the houses and the shops. It is an old belief that Goddess Lakshmi visits people's houses on Diwali night to bless them. Hence, all the devotees clean and decorate their houses with fairy lights, flowers, rangolis, candles, diyas and garlands, etc. Lots of sweets and Indian specialities are prepared on this occasion.
There is also a custom of visiting friends and families and sharing happiness and enjoying the festivities. Goddess Lakshmi and Lord Ganesha are worshipped on Diwali for wisdom, wealth and prosperity. Look at the bright side of life and forget the darkness, the dark agony surrounding it. Even the crackers which cause lots of smoke and pollution. Let's watch how our DC Mind celebrates his festival and sets an example of eco-friendly Diwali. And may you achieve victory in every phase of life. Wish this festival of Dashera brings devotion, dedication and determination in your life. Happy Dashera to all of you.